राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनपद के सभी ग्राम सभा में खुली बैठक का आयोजन किया जाएगा और विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद भी कर सकते हैं, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि खुली बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधित करेंगे और स्वच्छता अभियान मनरेगा सहित गांव में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में संवाद भी कर सकते हैं। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नल से जल सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, 2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार हर ग्राम पंचायत में खुली बैठक की जाएगी, जिसमें कि गांधी जी का जो ग्राम, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता, उनके जो ग्राम स्वराज का जो सपना था उसको सच करने के लिए हर ग्राम सभा में खुली बैठक की जाएगी। उस दिन गांव में पूरी श्रमदान से साफ सफाई की जाएगी, इसमें सफाई कर्मी के अलावा जो गांव के नागरिक हैं वो भी भाग लेंगे। इसके अलावा उस दिन गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा, क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और एनडी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा, और शाम में फॉगिंग भी कराई जाएगी ग्राम पंचायतों में। इसके अलावा जो है उसी दिन जो खुली बैठक होगी, उस खुली बैठक में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आपको पता है कि SBM फेज 2 का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है ठोस एवं द्रव कूड़ा प्रबंधन, तो उस पर उस दिन चर्चा होगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन भी अभी चल रहा है, आपको पता है कि स्वच्छ पेयजल के लिए जल जीवन मिशन सरकार चला रही है, जिसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में ओवर हेड टैंक बनाया जा रहा है। अभी गोरखपुर में लगभग 300 ओवर हेड टैंक की DPR की स्वीकृति हो गई है, और कई ग्राम पंचायतों में ओवर हेड टैंक निर्माण का कार्य आरंभ भी हो गया है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी ग्राम पंचायत खुद की खुली बैठक में ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा। और इसके अलावा उसी बैठक में, जैसे आपको पता है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का जो फीडबैक है वो आरंभ हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का जो सर्वे होगा, जो टीम जो आएगी वो 25 अक्टूबर से आएगी, पर अभी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का फीडबैक की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उसका फीडबैक जो है उस 2 अक्टूबर की बैठक में वो फीडबैक, जो जितने ग्रामीण इकट्ठा होंगे उनको स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का फीडबैक दिलवाया जाएगा उनके द्वारा ऐप डाउनलोड करवा कर। सर, मनरेगा के बाद भी कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मनरेगा देखिए जो कार्य है ग्राम सभा की, जो GPDP जो बनती है वो सिर्फ राजवित केंद्रीय वित्त से नहीं होती है। राजवित केंद्रीय वित्त के साथ हमेशा मनरेगा को जो है कन्वर्ज करा करके ही काम कराया जाता है, जिसमें कच्चा काम जैसे है उसमें वो मिट्टी का कार्य है वो मनरेगा से करा सकते हैं। उसके लिए आपको पता है कि जनपद स्तर पर 60-40 का रेशियो है। मनरेगा में अगर आपने 100 रुपया खर्च किया तो उसका जो है लगभग 80 रुपया आप खर्च कर सकते हैं पक्के कार्य के लिए। अगर कच्चा कार्य में अगर आपने मजदूरी अगर 100 रुपये के खर्च किए, 60 रुपये की मजदूरी लगाई है, तो 40 रुपये आप उसमें पक्के कार्य भी करा सकते हैं। तो दोनों का कन्वर्जेंस है, जैसे SLW में काम करना है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है, या आपको ओपन जिम का काम कराना है उसमें काम करना है, या फिर पार्क का काम करना है, स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है, इस तरह के कार्य को, या पंचायत भवन का कार्य, इस तरह के कार्य को हम मनरेगा से कन्वर्ज करा करके कुछ धनराशि राजवित से लेकर के, कुछ धनराशि मनरेगा से लेकर के इसको काज करा सकते हैं। क्योंकि अकेले राजवित केंद्रीय वित्त में इतनी धनराशि नहीं आती कि उससे गाँव का पूरा विकास किया जा सके, काफ़ी धनराशि आती है, पर मनरेगा अगर उसमें मिला दिया जाए तो फिर गांव को रामराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस दिशा में जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत प्रयास भी किए हैं, और आपने देखा होगा कई सारे वर्कशॉप भी इसके लिए कराए गए हैं, जो है सबको टेक्निकली जो तकनीकी दक्षता जो दिया वो दी गई है, बाकी भी जो दक्षता है वो दी जा रही है सबको। प्रधान जी लोगों की भी ट्रेनिंग कराई गई है, और इसके तहत जो है मनरेगा प्लस राजवित केंद्रीय वित्त से मिला करके सारे कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। सर, ये सब खुली बैठक हो गया, प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे? यस बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी 11 बजे जो है सभी प्रधान जी और सभी जन लोगों से, जो भी ग्रामवासी है, सम्मानित ग्रामवासी है, उन सबों से प्रधानमंत्री उस दिन खुले संवाद भी करेंगे, उनसे बात करेंगे। कुछ जो चिन्हित प्रधान जी लोग होंगे उनसे वो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और बाकी जो है सबको अपनी बात जो है वो बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे, और अपनी बात भी प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को बताएंगे।